सो हेलो प्रो गैंग, तो आज मुझे माइनक्राफ्ट में मरना है, या मरना है मुझे, तो फिर मरना कितना ही मुश्किल हो सकता है ना, सिर्फ मरना ही तो है, लेकिन इसमें मरना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। ऐसा मैं नहीं ये मैप बोल रहा है, ये देखो, वेलकम टू हार्ड वेज टू डाई, इट्स कॉल्ड हार्ड वेज टू डाई फॉर अ रीजन। समझ सकते हो कि शायद ये असली में हार्ड हो सकता है। तो यार मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ कि ये हार्ड कैसे होने वाला है, क्योंकि मरना कभी भी हार्ड नहीं होता ना। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लेवल, सैंड गन पाउडर, यू नो व्हाट टू डू। सैंड और गन पाउडर से तो एक ही चीज बनेगा, जो कि एक TNT, एंड यहाँ पर एक हिंट दिया जो कि तुम लोगों को पता है मैं यूज नहीं करूंगा। प्रो लोग कभी भी हिंट को यूज नहीं करते, उल्टा हिंट उसको यूज करता है। तो देखते हैं चेस्ट में क्या है। काफी सारा टूल है। सो गन पाउडर तो हम लोग को पहले ही मिल गया, एंड ये शवल है जो कि ओके सैंड को तोड़ पा रही है, एंड इसी के साथ साथ हम लोग इस ग्रेवल को भी तोड़ सकते हैं। फ्लिंट मिला, तो सब कुछ तोड़ देते हैं। एंड वेट अ सेकंड, यहाँ पर छुपा के रखा है आयरन ओर, लॉल मुझे तो पहले ही मिल गया। चलो अच्छा है, ले लेते इसको। एंड अभी हमारे पास सैंड है, गन पाउडर है, तो चलो यार बनाते एक TNT। तो चलो बन गया, बूम। तो इसको मैं रख सकता हूँ सैंड पर, ओके। तो चलो रखते इसको यहाँ पे। तो बस अब इसका अभी मेरे को एक फ्लिंट एंड स्टील बनाना है, एंड इस TNT से मरना है आई गेस। यप, लेवल 2। भाई इस मैप के हिसाब से तो हार्ड लेवल्स आने चाहिए ना, लेकिन ये क्या था इतना इजी। अच्छा आई गेस ये लेवल 1 होगा, इसलिए थोड़ा इजी होगा, फिर आगे जाके थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो फिर अभी मेरे पास एक ब्रूइंग स्टैंड है और एक चेस्ट है, तो चलो सब कुछ ले लेते हैं। एंड इस कमरे में मेरे को कुछ और तो नहीं दिख रहा, तो फिर इसका मतलब मेरे को एक पोशन बनाना है। हाँ इजी यार, हार्ड लिखते समय सोचा नहीं क्या। तो फिर सबसे पहले हम लोग नेदर वॉर्ड डालेंगे, एंड यहाँ पर ब्लेज पाउडर। सो आएगी जिससे मेरे को पॉइजन या फिर एक फार्मिंग का पोशन बनाना पड़ेगा, देखते क्या बनता है। मेरे को इतना केमिकल्स के साथ खेलना नहीं आता, क्या है कुछ केमिकल लोचा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मेरे को क्या डालना है, स्पाइडर आए, ओके चल चल जल्दी बन जा। तो अभी हमारे पास है पॉइजन, ओके तो हो गया ना, शायद अब मैं मर सकता हूँ। बट वेट, क्या ये गेम मोड, अच्छा नॉर्मल पे है ना, नॉर्मल में तो मैं पूरी तरीके से नहीं मरूंगा, तो फिर कुछ और भी डाल के देखते हैं। जब तक ये बनता है तब तक मैं क्या करूँ। अरे हाँ एक काम करो ना, एक लाइक कर दो, एक दो सेकंड का काम है। तो आई गेस बन गया, एंड पोशन ऑफ हार्मिंग। सो आई गेस इससे मैं मर जाऊंगा एक ही बार में। ओ वेट, हैं 3 बार पीने पर भी नहीं मरा, फिर से बनाना पड़ेगा यार। एक तो भाई ये जल्दी नीचे नहीं जाता, क्या प्रॉब्लम क्या, जाना फटाफट। ओके तो चलो बन गया, एंड चलो मरते, ओके आधी हेल्थ, बूम। तो चलो आ गए हम लोग थर्ड लेवल पे, हार्डर देन इट लुक्स। ओके तो आई गेस ये लेवल कुछ ज्यादा हार्ड होने वाला है। वेट, मैं लावा में कूद के मर जाऊंगा। फायर रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, बचाओ मैं जल रहा हूं। एंड यहाँ पर एक काव है, ओए अरे यहाँ पर आयरन ओर है। वेट अ सेकंड, बोलना मत कि ये इतना इजी है। पहले तो मैं ये आयरन्स लूंगा, देन इन आयरन को इसके अंदर डालूंगा। तो चल जल्दी बन जा, ओके बन गया। एंड अभी बस हम लोग को इसका बकेट बनाना है, एंड इस बंदे से दूध लेना है, एंड हो गया ये लेवल कंप्लीट। व्हाट, इतने इजी लेवल को ये लोग हार्ड बोल रहे हैं, यार क्या बोलूं अब मैं। तो लेवल 4, फाइंड द बटन। नहीं ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद भाई, इतने सारे बटन दबा दबा के मेरे हाथ दर्द हो जाएंगे। और ये क्या मिला, जंप बूस्ट। रियली ब्रो, क्या वो लेवल सच में हार्ड था या फिर मैंने तुक्के से कर दिया ये। ओके यार पता है मैं जीनियस हूँ। तो चलो अभी लेवल 5 देखते हैं। तो इधर क्या लिखा था, सफोकेट। ओके तो यहाँ पर मेरे पास एक एक्स है, रेडस्टोन टॉर्च एंड एक स्मूथ स्टोन। चलो तोड़ते हैं इन लॉक्स को, एंड एक चेस्ट है, एंड चेस्ट में है एक पिकैक्स जो कि तोड़ेगा कॉबल स्टोन को। कॉबल स्टोन आ जा, एंड यहाँ पर भी एक चेस्ट है। वट, ये तोड़ेगा आयरन ओर को, एंड ओके इसके अंदर भी, एंड ये तोड़ेगा रेडस्टोन को। तो चलो तोड़ दिया सब कुछ, एंड अब भी मुझे क्या करना है। बट पहले तो इसको पिघलाता हूँ मैं। तो इस लेवल में मेरे को सफोकेट करके मरना है, सो आई गेस यहाँ से कुछ ना कुछ तो होगा, लेट्स सी क्या होता है। चलो बन गए मेरा आयरन, एंड देखते हैं अब मैं क्या बना पाता हूँ। वेट, एक पिस्टन, हाँ पिस्टन बना सकता हूँ, एंड बन गया एक पिस्टन। तो अभी इसको रखना है स्मूथ स्टोन पर। ओके तो फिर इससे मैं सफोकेट कैसे करूंगा, क्या मुझे इस होल के अंदर कुछ करना है। वो आएगा अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, एंड ये देखो ये वाला स्टोन पिस्टन पे लगने वाला है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, एंड देन इसको मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। ये हुई ना बात, मजा आ रहा है मरने में, मरने का भी एक अलग मजा होता है। तो लेवल 6 क्या था, दिस में टेक ए वाइल। ओके इस मैप में तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। हेलो क्या करना है, ऐसे ही भटकना है क्या यावा। वेट, इन्वेंटरी में तो कुछ नहीं है, तो क्या करना है। ओके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक हिंट तो लेना ही पड़ेगा, जस्ट स्टार्व। व्हाट, इसका मतलब है कि मुझे भूख के मारे मरना है, लेकिन भाई ये करते करते तो सालों बीत जाएंगे। देखो अभी आधा हंगर बार भी नहीं गया, तो क्या करूं अभी। कोई सीक्रेट बटन वटन तो नहीं छुपा है, लेट्स इन्वेस्टिगेट।
आग बुझ नहीं है, इन टॉर्च को भी नहीं तोड़ सकता। एंड वाओ, अभी जाकर एक हंगर बार कम हो यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, सीधा किल कर दे। तो आगे हम लोग लेवल 7 पर। देखो घटिया सा लेवल था वो, लाइक उतने टाइम में तो बंदा माइनक्राफ्ट को स्पीड रन कर लेगा, एंड मैं वहाँ पे बस स्टार होने का वेट करूँ। तो चलो ये लेवल क्या है, हिट योर सेल्फ विद एन एरो समहाउ। ओके लेट्स सी इसमें क्या है, एरोज एंड एक फिशिंग रॉड। तो भाई बो कहाँ पे, अब कैसे से अपना टकला तोड़ू, कैसे मरना है। वेट, मैं अभी फिशिंग कर सकता हूँ है ना, तो क्या मुझे फिशिंग करके एक बो ढूंढनी है, हो सकता है ना, लेकिन बो मिलने के चांसेस कितने होते हैं। लेट मी गूगल दिस, बोस कैन नाउ बी ऑब्टेंड एज अ ट्रेजर आइटम फ्रॉम फिशिंग, चांसेस कितना है। ओके फिश मिलने का चांस है 85% एंड बो का मिलने का चांसेस, मजाक कर रहे हो क्या भाई, हार्ड बोला था, इम्पॉसिबल नहीं बनाना इसको, लिटरली 1% चांस भी नहीं है। एंड इन लोग को लगता है कि कोई बंदा आके खेलेगा एंड वो फिशिंग रॉड से बो लेके जाएगा, भाई यार क्या करूं, मैं मजबूर हूँ ये सब करने में, लाइक इम्पॉसिबल है फाइंड करना यार। तो चलो बस प्रिटेंड करते कि मुझे ये मिल गया इसके अंदर से, बो मिल गया मेरे को, वाओ यस। तो चलो अभी खुद को मारते इससे, एंड भाई डैमेज भी नहीं हो रहा है, व्हाट द हेल यार। एंड चलो ये आखिरी बो, एंड हो गया लेवल, चिकन नूडल सूप, व्हाट। तो यहाँ पर एक बटन दिया है मुझे, एंड वाओ इतने सारे अंडे, क्या इसके अंदर से चिकन निकालू। ओ हेलो सॉरी दोस्त, बट मेरे को तुझे मारना पड़ेगा, हैं कुछ नहीं दिया, तू क्या करना है मुझे। यहाँ पर एक होल है, तो क्या मुझे इसके अंदर डालने चिकन, कोई काम हो सकता है अगर मैं इसके अंदर बहुत सारे चिकन स्पॉन कर दूं, तो फिर मैं सफोकेट होके मर सकता हूँ, एंड आई गेस यही एक तरीका है मैं मर सकता हूँ ना। तो चलो लेट्स ट्राई, तो बहुत सारे चिकन स्पॉन करते हैं, इतने सारे चिकन से चिकन खुद मरने चाहिए अंदर, नहीं काफी है क्या, जाके देखते हैं। वो ये क्या हो रहा है, ओके आएगा थोड़े से और स्पॉन करने, एंड फिर मैं लिटरली सफोकेट होके मरूंगा। ओ भाई ये क्या शेक हो रहा है, ओके मजा आने वाला है, जितने भी अंडे सबको तोड़ दो, एंड भाई ये कितना शेक हो रहा है, ओह भाई मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, ओह मर रहा हूँ मैं, ओके ये काम कर रहा है, लेट्स सी ये होता है कि नहीं, अरे शिट अंडे खत्म हो गए, ओ वेट मैं और ले सकता हूँ, ओह ओह यस प्रो बुज 95 वाज स्क्विश्ड टू मच, मोर सफोकेशन, भाई कितना सफोकेट करके मारोगे। सो इस चेस्ट के अंदर है एक एक्स एंड ग्रास ब्लॉक, जो कि लगेगा ग्रास ब्लॉक पर, तो चलो ये सब लेते हैं, एंड बोन मिल जो कि लगेगा ओक सैपलिंग पर, ओके मैं समझ गया, तो मुझे कभी एक ओक सैपलिंग चाहिए एंड उस ओक सैपलिंग के अंदर सफोकेट करके मरना है, इजी। तो चलो मिल गया ओक सैपलिंग, एंड इसको भी मुझे यहाँ पे रखना है, हैं वेट मैं तो इसको प्लेस ही नहीं कर सकता, तो क्या करूँ, वेट यहाँ पे भी एक चेस्ट है, इसको देख देखते हैं, ओ यस, तो चलो अब ये काम करेगा, चलो मरते हैं फिर से, ओ आई गेस मेरे को पहले ऐसे रखना पड़ेगा, एंड अभी ये काम करेगा अच्छे से, अरे हो जा, ओके लेट्स गो, एंड यस मैं फिर से मर रहा हूँ। तो चलो आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेवल पे, व्हाट कंप्लीट हो गया भाई, हार्डेस्ट विश टू डाई बोल के चूना लगा दिया मेरे को, एंड यार तुम लोग मुझे चूना मत लगाओ, सब्सक्राइब नहीं कर दे तुम लोग, 2 मिलियन के क्लोज है इतने, एंड हाँ यार इंस्टाग्राम पे भी एक बार फॉलो मार दो, 25,000 प्रो लोग ने पहले ही कर चुके फॉलो, तुम भी कर दो यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।